ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਚ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਮਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀਏ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸਾਲਾ। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DL84 व्लॉग्स। तो गाइस आज आपके भाई ने ले लिया रॉयल एनफील्ड की नई बाइक ले ली है। कौन सी ली आप सब थंबनेल पे देख लो, टाइटल देख लिया होगा, तो मतलब कि बहुत लंबा थोड़ा सा प्रोसेस रहने वाला है। तो हम देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं मेरी बाइक है, मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, प्रॉपर पूरी रेडी हो चुकी है। आपको ब्रीफली वीडियो आएगी, इसकी वीडियो कहाँ पे आएगी, हमारा यूट्यूब चैनल है मॉडिफाइड जोन के नेम से, तो अलग से वहाँ पे इसकी सारी वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। क्या क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, सारी ब्रीफली वीडियो आएंगी। बस यहाँ पे एक इसकी डिलीवरी वाली वीडियो आ जाएगी इस वाले ब्लॉग के अंदर, इसमें प्रॉपर जो मेरा पेपर वर्क होगा वो सारा आ जाएगा। तो देरी ना करते करते आज की वीडियो स्टार्ट। चैनल सब्सक्राइब और प्रेस करना बेल आइकन, जब भी नोटिफिकेशन करते आज की वीडियो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. इसकी मैंने आपको बताया हमने ले ली है ये वाली बाइक, आज हम लेके जा रहे हैं। तो हम क्या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रहती है इसकी? ये इसका नाम तो सबसे पहले बुलेट 350 जेट ब्लैक कलर है। इसमें सेल्फ किक दोनों चीजें आपको मिलेगी। तो मतलब जो मैंने देखा स्टैंडर्ड में नहीं होती है ना? नहीं, स्टैंडर्ड में ओनली जस्ट आपका किक किक है, इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों चीजें मिलेगी। प्लस यूसी इंजन आएगी आपका। ओके, ठीक है। इंजन काफी दमदार है, 350 cc का इंजन है। प्लस इसमें आपको इंडिकेशन करेगा कि कितने किलोमीटर पे इस पे रिजर्व लगेगी, ये ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करेगा। हाँ, आप इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं। रिजर्व इसमें आपको 2 से 2.5 लीटर में लग जाता है। ठीक है, ओके। इसमें बाकी आपका सिंगल डिस्क में रहेगी गाड़ी, मतलब इसमें सिंगल चैनल ABS हो गया ना? हाँ जी, सिंगल चैनल ABS, सिंगल डिस्क। सिंगल डिस्क मिल जाएगी इसके अंदर आपको। बाकी टायर वगैरह में ट्यूब टाइप आते हैं? टायर आपके ट्यूब वाले रहेंगे इसमें, क्योंकि स्पोक व्हील है तो ट्यूब वाले टायर है। और कंपनी क्या इसके माइलेज प्रेफर करती है? इसकी कंपनी क्लेम जो कर रही है आपकी माइलेज 30 to 35 लोकल, और हाईवे पे आपकी 40 to 45 आ जाती है अप्रोक्स। बाकी देख लो ऐसे कुछ ऐसे आती है इसकी लुक, सेल्फ मिल जाएगा आपको, और टेल वगैरह सिमिलर टू स्टैंडर्ड हो जाएगी टेल, और इंडिकेटर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। स्टैंडर्ड में क्रोम वाले आते हैं शायद से ना, इसमें आपको ब्लैक मिल जाएंगे। बाकी एग्जॉस्ट वगैरह कुछ ऐसा रहने वाला है।